देगी। आज तुम्हारे क्षेत्र में बड़े बड़े लोग हैं, उनके सपने आते होंगे कि वो ऐसा और मैं ऐसा, ऐसा होता है ना, तो मुझे भी वो सपने और वो गोल, वो सारी चीजें दिखी और दिखने के बाद मैं आज से 4 साल 5 साल पहले की स्थिति में मैं कुछ भी नहीं था। मैं मेरी गरीबी के कारण मेरा एजुकेशन नहीं कर पाया, रियल सत्यता तो ये है। मैं 10वीं फेल क्यों हूँ, तो मुझे एजुकेशन नहीं मिल पाया, कोचिंग नहीं मिल पाई, बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाई। अब कारण क्या रहा सर, कि मजबूरी में गार्ड की नौकरी करना पड़ा। बाल बनाते बनाते मेरे सपने, मेरी सोच में कुछ अंतर आया कि मुझे भी कुछ बड़ा करना है। तो बड़ा करना है तो वहां पहुंचे, गोल पे पहुंचे। जब तक हमारे अंदर गोल नहीं होगा तो हमारा काम नहीं होगा। अभी मैं बात करूंगा आप लोगों से कि अभी क्वेश्चन निकाले हम कि गोल तो मेरा बहुत बड़ा है, हर व्यक्ति के गोल होते हैं लेकिन गोल नहीं पाते, सही है ना। सपने हर व्यक्ति के होते हैं, कौन नहीं चाहता कि मैं फॉर्च्यूनर कार में घूम, सब चाहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है जो नहीं चाहता, चाहते हैं ना, सब चाहते हैं कि मेरे हर एक रूम में एसी फिट हो, चाहते हैं, कोई है ऐसा जो नहीं चाहता, सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि मेरे पास 100-200 बीघा जमीन हो, राइट, सब चाहते हैं कि मेरे पास एक अच्छी जो है दुनिया की सब चीजें हो, राइट, सब चाहते हैं, लेकिन करें कैसे, हो कैसे, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। तो यहां बात निकल के आती है कि जब सर के पास चिकित्सा में है या विद्युत मंडल में है या किसी भी लेवल पे है, जिस व्यक्ति की 1 लाख रुपए सैलरी है उसको 5 लाख रुपए आने का इंतजार है, तो महीने का 5 लाख कैसे आए, राइट बोल रहा हूँ सर, क्योंकि स्वास्थ्य तो यहाँ हो ही रहे, इसके बाद भी एक सपना और एक सोच होती है, इसके बाद भी एक सोच के अलावा एक सिस्टम ये होता है कि हर व्यक्ति की सोच के ऊपर डिपेंड होता है। अब बात आती है कि हमने IMC सैनी जी से समझ ली, पुष्पा जी से समझ ली, क्या करना है कि ये प्रोडक्टों को बेचना है, यही होता है ना, यही सब बताते हैं, और प्रोडक्ट कोई लेता नहीं, कितने लोग इस बात से सहमत है, बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग हैं, सभी ये कुल मिला के इसमें शरमने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा प्रोडक्ट आपके क्यों लें, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं आपसे प्रोडक्ट लूं तो क्यों लूं, मैं आपसे प्रोडक्ट लूं तो क्यों लूं। अब बात आती है यही, और यही हम जवाब नहीं दे पाते और यही हम फेल हो जाते। सर मैं आपसे सत्य बात बता रहा हूं जो रियल मेरे साथ गुजरी है, आपसे प्रोडक्ट लोग कब लेंगे, जब आपका गोल होगा, आपका मकसद होगा, आपकी मंजिल होगी, तब आपको ये गोल दिखेगा, तब आपसे लोग प्रोडक्ट लेंगे, अन्यथा प्रोडक्ट नहीं लेंगे। आप घर में से कब निकलोगे, जब आपका कोई गोल होगा, आपका कोई मकसद होगा, आप चाहते हो कि मेरे भाई को मैं एक अच्छे स्तर पर पहुंचा दूं, या मेरे बेटे को एक अच्छे स्तर पर पहुंचा के छोड़ूं, या मैं मेरे बच्चे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दूं, ये मकसद नहीं होगा तब तक आप घर से निकल सकते हो क्या, नहीं निकल सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। सर प्रोडक्ट लोग अगर आप किसी को दोगे तो लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट महंगा है, यही कहेंगे ना। ऐसे कितने लोग हैं जो प्रोडक्ट को महंगा लगता है आप लोगों को, थोड़ा सा मुझे क्लू दें तो मैं थोड़ा सा उस पर बात कर सकूं, कितने लोग हैं प्रोडक्ट महंगा लगता है जिनको, खुल के बोलो, खुल के बोलो सर, किसी को बताते हैं तो महंगा लगता है ना। अब मैं ये बात आप नहीं बोल रहे लेकिन मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद लगा था, लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम ये बात बोलते हैं ना कि जब हम किसी को बताते हैं तो उनको महंगा लगता है, उनको नहीं लगता सर महंगा, महंगा तो पहले हमको ही लगता है, हम यहाँ बैठे हैं ना, इनमें से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको महंगा नहीं लगता हो। अगर महंगा नहीं लगता तो
100% प्रोडक्ट उपयोग कर रहा हूँ, 100% प्रोडक्ट तो सर मैं उपयोग नहीं कर पा रहा, मैं मेरी बात कर रहा हूँ 100% मैं उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपकी कैसे मान लूँ? क्योंकि मुझे तो प्रोडक्ट महंगा उस दिन भी देखा था, उस समय भी लगा था, और आज भी प्रोडक्ट महंगा लगता है और लगना भी चाहिए। अगर प्रोडक्ट महंगा नहीं होगा तो वो मार्केट में और आपके मार्केट में अंतर क्या होगा, आप उसको क्या बताओगे? लोग हल्दी के अंदर केसर युक्त है, हल्दी हमारी श्री हल्दी जो है केसर युक्त है, और दारू हल्दी है, ये हल्दी है, वो हल्दी है, कौन जानता है? कोई नहीं जानता, सिर्फ ये जानते हैं कि हल्दी है और महंगी है और सस्ती है, इतनी सी बात जानते हैं। हम बात करते हैं हमारे साबुन के अंदर, कोई भी स्किन केयर, स्किन टोनर या कोई भी साबुन आप ले लो, क्या हमारे साबुन के अंदर पता है आपको कितने तरह की जड़ी बूटी है? 30 तरह की जड़ी बूटी। क्या आप लोगों को नाम पता है उनका, जड़ी बूटियों का? नहीं पता, किसी को भी नहीं होता। लेकिन एक चीज जरूर याद रहती है कि मार्केट में 10 रुपए का साबुन आ रहा है और IMC का साबुन 45 या 60 रुपए का आता है, ये चीज जरूर याद है। और ना हमारे व्यक्ति को जड़ी बूटी के विषय में समझा सकते और ना ही वो मान सकते, सिर्फ हमको बात क्या करना है यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस समय IMC बनी या IMC ने 60 रुपए का साबुन बनाया, उस दिन IMC के सामने भी 10 रुपए का साबुन मार्केट में था, यस या नो? उस समय IMC ने ये विचार नहीं किया होगा कि वास्तव में मेरा साबुन कैसे बिकेगा, किया होगा ना? 80 रुपए का साबुन जब बनाया IMC ने तो उस समय भी सोचा होगा कि ये कैसे मार्केट में मैं दे पाऊंगा, कैसे मैं मेरी मार्केटिंग कर पाऊंगा। जिस समय IMC का मैनेजमेंट ने ये अपनी लाइन तैयार की, जी लीडर तैयार किए, क्या उनको ये महसूस नहीं हुआ होगा? स्वाभाविक है उनको भी महसूस हुआ होगा। लेकिन दोस्तों अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि IMC का प्रोडक्ट महंगा है तो उसके नाम की आप अगरबत्ती लगा, क्योंकि यही तो हम चाह रहे हैं कि महंगा का है। अब व्यक्ति से बात क्या करना है कि भाई ये महंगा क्यों है ये पता है, महंगा क्यों है ये पता है? तो स्वाभाविक है जो आप ना कहो उससे पहले उसी से कहलवाओ कि इसका प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है। अगर नहीं आ रही समझ में तो उदाहरण से समझाओ। क्या उदाहरण हो सकता है कि मैं आपसे पूछता हूँ, आप आपके घर में आपकी रोटी चपाती चुपड़ते हो, कौन से घी से चुपड़ते हो? शुद्ध देसी घी से। कितने रुपए किलो आता है सर? 700-600 हाईएस्ट 700-800 है ना। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि आपको मैं वही घी सेम जैसा है वैसा ही दिखेगा और सेम घी जैसा डालडा आपको दूं, वो आता है 150 रुपए किलो, 180-150 लगभग। अब मैं कहूं आपसे कि आप एक काम करना कि वो घी से रोटी चुपड़ना 700 रुपए किलो के से बंद करो और डालडा से रोटी चुपड़ना चालू करो। क्यों? क्योंकि वो महंगा है सर और ये सस्ता है। क्योंकि वो महंगा है और आपको चाहिए सस्ता, और मैं आपको एक राय दे रहा हूं कि आज से आप उस घी से रोटी ना चुपड़ते हुए उस डालडा से रोटी चुपड़ो। तो वो क्या बोलेगा? सर वो डालडा है। क्या है वो? डालडा। वो डालडा है तो घी होता है। IMC के प्रोडक्ट दोस्त घी है शुद्ध, और जो आप मार्केट में उपयोग कर रहे हो वो क्या है? डालडा है। अब आप बताओ कौन सा उपयोग करना चाहिए? अगर सस्ता करना चाहिए तो आज से आप डालडा से रोटी चुपड़ेगा वो व्यक्ति? अपन में से कोई चुपड़ सकते हैं? हर व्यक्ति को क्वालिटी चाहिए, बस क्वालिटी को बताने और जगाने वाला चाहिए, यस या नो? आज मुझे 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए, 2,20,000 रुपए अगर मिल रहे हैं तो किस बात के मिल रहे हैं? कि मैं व्यक्ति को संतुष्ट करूं, मैं व्यक्ति को जानकारी दूं कि आखिर IMC की पावर और IMC की प्रोडक्ट की पावर आखिर है क्या, राइट? उस व्यक्ति से 2-3 आप उदाहरण दोगे कि अभी भाई साहब आप कौन से साबुन से नहाते हो, लक्स से, लाइफ बॉय से, या किसी से भी 10 रुपए वाले साबुन से, इस
इसी इसी का बताएगा। अब अगर पैर से वो नहाता हुआ तो बोलेगा ही नहीं, फिर तो उसको महंगा भी नहीं लगेगा। 10 रुपए वाले से नहा रहा होगा तभी महंगा लगेगा, राइट। अगर मैं बात करूं तो उस बंदे से आप ठोक के डर के नहीं, IMC नहीं करेगा इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेगा, IMC का सामान नहीं लेगा इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेगा। तो उससे ठुकमा बोलो ना कि भाई साहब आज से आपको 10 रुपए वाला साबुन लगाना बंद करो। क्यों? महंगा है सर, कपड़े धुलने का साबुन आता है 5 रुपए का, उससे ना लिया, क्योंकि फिर आपको पता ही नहीं है कि आप इंसान हो, आप तो पशु के समान हो। जब आपको क्वालिटी का पता नहीं है, आपको ये पता नहीं है महंगे और सस्ते का, या पावर का पता नहीं है, या सिस्टम का पता नहीं है, तो आप इंसान थोड़ी हो। और मैं तो आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि जिस साबुन से आप महंगे से भी नहा रहे हो ना, वो भी आपका नहाने का साबुन नहीं है। लक्स लाइफ बॉय साबुन जो आप नहा रहे हो, वो साबुन निर्मा वगैरह ये 10 रुपए वाले जितने भी साबुन है वो नहाने के साबुन नहीं है। उन पेज पर शब्दों में लिखा है, किसी भी साबुन को उठा के दिखा दो, गूगल पे निकाल के बता दो, टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप यानी नहाने के साबुन से तो आप अभी भी नहीं नहा रहे हो। अच्छी अच्छी जिनकी 50,000-50,000 रुपए सैलरी है सर, वो भी कोई टॉयलेट सोप साबुन से नहा रहे हैं, यस या नो सर? यस सही है। तो उनको ये चीज जानकारी जब तक हम नहीं देंगे तब तक उनको थोड़ी पता है। मुझे भी पता नहीं था सर, मैंने भी किसी IMC वाले से सुना तो मैंने ये बताया। अच्छे अच्छे लोगों को पता नहीं है, जिनकी 1-1 लाख रुपए सैलरी, उनको भी ये पता नहीं। रियल सत्यता है सर, जब हमने उनको बताई तो उनको समझ में आई, माइंड पे उनके पे क्लिक किया कि वास्तव में हम कौन से साबुन से नहा रहे हैं। अगर हम बात करें तो जैसे उदाहरण में साबुन ले लो आप, तो साबुन कितना महंगा है हमारा। अभी मैं आपको दूध का दूध और पानी का पानी करता हूँ, कितने रुपए महंगा है वो? 10 रुपए का, और हमारा 60 रुपए का MRP रेट, और ID रेट पे कितने का है? 45 रुपए का। तो सर नहाने का साबुन हमारा कौन सा साबुन है? 500। 30 तरह की जड़ी बूटी है, चर्म रोग को हटाता है, पसीने की बदबू को हटाता है। क्वालिटी की बात करूं तो 1000 फायदे मैं आपको बता सकता हूं। अगर मैं बात करूं कि आप जो लक्स और लाइफ बॉय साबुन लगा रहे हैं भाई साहब, उसके फायदे बताना, कुछ बता सकते हो? क्या फायदे है बता सकते हो कोई? स्किन प्रॉब्लम होती है, एक नुकसान, फायदा नहीं आया। सेल्स डैमेज होती है, स्किन सेल्स डैमेज होते हैं। अगर बात करें तो तुम नेगेटिव पॉइंट पे इतने पे चले जाओगे तो 50 उसकी गलती निकाल दोगे, सही है। अगर हम बात करें फायदे की तो आप में से 10-15-20 लोग बैठे हैं, एक का मुंह नहीं खुला। सर जब आप देने जाते हो क्या उस समय उसका मुंह खुलेगा? नहीं खुलेगा, यानी कि हम बोल नहीं पाए, हम बता नहीं पाए। साइड इफेक्ट की बात करें तो जिस साबुन को आप लगाते हो, लगाने के बाद आप ऑयल अगर बॉडी पर नहीं लगाते हो तो पूरी बॉडी रूखी रूखी हो जाती है, पूरी बॉडी फटी चिरी हो जाती है, यस या नो? यस। अगर ये तो आप ऑयल लगा के काम चला लेते हो, आपकी घर की या मेरे घर की महिलाएं उसी बॉडी के ऊपर बॉडी लोशन लगाती है सर, और बॉडी लोशन की कीमत है 200 रुपए, वो भी 1 महीने में खत्म होना है। अब वो 10 रुपए वाला साबुन लगाने की वजह से बॉडी लोशन लगाना पड़ रहा है। अब मुझे बताइए वो साबुन महंगा हुआ कि सस्ता हुआ? महंगा। जैसे ही चर्म रोग होता है किसी डॉक्टर के पास आप जाओगे तो वो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहेगा? उस साबुन को बंद करता। कोई भी मेडिसिन शॉप आपको देगा, कोई भी बात शॉप आपको देगा, राइट? देगा कि नहीं देगा? वो कितने रुपए का आता है पता है? 50-60 रुपए का कोई सा भी ले लो। जैसे हम बात करें कंप्रोमाइज की, तो वो टॉयलेट सोप से बाथ सोप की तो कंप्रोमाइज कर नहीं सकते, किसी भी कंडीशन में किसी भी एंगल से नहीं कर सकते, राइट सर? हम कंप्रोमाइज किससे कर सकते हैं? बाथ सोप से। तो बाथ सोप साबुन हमारा कौन सा आता है उदाहरण में? पैर्स कितने रुपए का आता है? 55 रुपए का, 75 ग्राम का, कौन सा है? 500। डब साबुन लिया है किसी ने? डब साबुन की कीमत कितनी है सर? 60 रुपए से ऊपर, वो 500 पे सर। अब कंप्रोमाइज करके बताओ, अब साबुन का जो रेट है या किसी भी प्रोडक्ट का रेट है, मिलाओ रेट,
इसके बाद हम बात करेंगे तो हमारा साबुन सस्ता हुआ महंगा हुआ। हमारे साबुन को लगाने के बाद आपने बॉडी पे ऑयल नहीं लगाया तो पूरी बॉडी रूखी रूखी पटीचरी नहीं होगी। ये हमारे कई सारे लोग जिनने यूज किया है हजारों लोग बोल सकते हैं यस या नो, बोल सकते हैं, ये सत्यता है कि नहीं है? अब मुझे ये बताइए क्या हमारा साबुन महंगा है? नहीं। अच्छा हमारा कौन सा प्रोडक्ट महंगा लगता है कोई एक नाम बताओ। कि जैसे साबुन तो मैंने मेरी तरफ से बोल दिया कि न तो साबुन का ट्रक का होगा, यही हो सकता है ना, बहुत सारी चीजें सोचने में आती। तो आपके इस तरह से कोई एक प्रोडक्ट छाट के बताओ जिसके विषय में मैं आपको बताऊं। यस, चाय। अगर उसका ड्रिंक ले सकते हैं 140 रुपए की आती है, आपकी 250 रेड लेवल आता है 125 रुपए का, 20 रुपए महंगा है आपका चाय। बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस भी ज़्यादा अंतर नहीं होता। ज़्यादा अंतर नहीं आता तो 15 दिन पी के देगा, 15 दिन पी के देगा। आपका मकान कहाँ पे है? मकसूदनगढ़ में। आपको मैं एक डेमो बताता हूँ, आप डेमो करके देखना। कोई भी मार्केट की चाय का रेड लेवल चाय से या उससे अपने कोई विशेष वो नहीं पड़ रहा अंतर। मैं एक नॉर्मल बात करता हूँ कि सबसे पहले हम बात करें चाय की, तो चाय हमारी आपको पता है सर कितने रुपए किलो से स्टार्ट होती है और कितने रुपए किलो तक आती है, पता है आपको? 200 रुपए किलो से यानी 50 रुपए की 250 ग्राम से और 5 से 7 हजार रुपए किलो तक की चाय आती है। अगर इसकी हम सर्चिंग पे आप गूगल पे जाओगे सर्च करोगे तो 7 हजार रुपए किलो तक की चाय मैंने देखी है सर। क्योंकि मैं जब चाय बेचने लगा तो मुझे चाय के विषय में घुसना पड़ा, कोई भी प्रोडक्ट को किसी को बताने से पहले मैं उसके अंदर घुसा और पूरी जानकारी ली। तो बाद में सही बात की इन्हें, सही पॉइंट पकड़ा है, एक एक प्रोडक्ट की हमें जानकारी रखना चाहिए। हम बात करते हैं कि मार्केट की कोई भी चाय ले लो 60-70 रुपए से तो 250 ग्राम स्टार्ट हो जाती है 60-70 रुपए से, और हमारी है 140 रुपए 250 ग्राम। अब स्वाभाविक है कि मार्केट की रेड लेवल ले लो चाहे कोई भी ले लो, सारी चाय के अंदर सर केमिकल आता है। अगर हम रेड लेवल ले लो या किसी भी ले लो, सारी चाय के अंदर केमिकल आता है। इसका डेमो आपके सामने आप लाइव देख सकते हो। दो गिलास लेना कांच के, दो गिलास लेना डेमो कर लेते ना है क्या चाय, दो गिलास लेना चाय के और आप एक गिलास में एक चम्मच चाय डालना मार्केट वाली और एक चम्मच चाय डालना अपनी वाली INC वाली। अब दोनों को घोलना तो जो मार्केट वाली चाय है वो सर तुरंत कलर छोड़ देगी, पर INC वाली चाय कलर नहीं छोड़ेगी क्योंकि ये ओरिजिनल चाय की पत्ती है। अब उसमें केमिकल मिला है इसलिए वो कलर छोड़ देती है। अब वो चाय क्या करती है सर, एसिडिटी बनाती है, मुंह को मारती है। लेकिन INC की चाय क्या करती है, ना तो एसिडिटी पैदा करती है और ना ही मुंह को मारती है। आप चाय पीने के बाद खाना खाने बैठ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, मुंह को ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये मुंह खत्म की है। हालांकि रिजल्ट देगा उसका, भूख भी बढ़ाती है, भूख खोलती भी, मुंह खोलती है। तो सर प्लस क्या निकला, ये वाला निकला। 15 दिन में सर हम बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट हमारी बॉडी नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती कि हमारी आदत केमिकल वाली चीजों की ले लेके आदत पड़ चुकी है। हमारी नेचुरलता अगर हमको पाना है कि नेचुरल तरीके से हम किसी का रिजल्ट लेंगे तो 1 से 2 महीने के अंदर हम उसकी क्वालिटी को अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं, अगर रियलिटी बात करें तो। अब बात करते हैं कि भाई साहब आपकी जो चाय है वो चाय 125 रुपए की आपने बताई और हमारी चाय कितने की है, 140 रुपए की, 15 रुपए महंगी है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपकी लाइफ में कभी भी वो 110 रुपए की 15 रुपए की आपको मिल सकती है क्या, रेट लेवल चाय? क्या मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट मिल सकता है क्या जो रेट है उसी पे मिलेगी ना,
यस या नो? साबुन 10 रुपए का है तो 10 रुपए में मिलेगा, 20 रुपए का है तो 20 में मिलेगा, फेयर एंड लवली 70 की है तो 70 में मिलेगी। कभी कोई चांस है क्या आप लोगों के लिए कम करने का? नहीं है। लेकिन आईएमसी में एक बेहतर सुनहरा अवसर, एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको एक तो उससे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी की ऑर्गेनिक हर्बल WHO से प्रमाणित चाय या कोई भी प्रोडक्ट आपको, आपको सिर्फ आपका एक आधार कार्ड देने से, आपको एक आईएमसी की सदस्यता फ्री में देने से आपके डायरेक्ट कितने रुपए का मोबाइल सर? 20 रुपए, 140 की 120 रुपए में मिल रही। कितने में? 120 रुपए में, है ना। अब ये तो गया एक प्लस कि आपका प्रोडक्ट कम में हुआ, राइट सर, है ना, कम में। ये तो सिद्ध हुआ ना कि कम में हुआ। अब लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, तो आप लोग उनको क्या बोलते हो? स्वाभाविक है थोड़ा महंगा तो आपको लगेगा, क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना। और जब ये बोलते हैं तो उनके जो हौसले होते हैं वो और बढ़ जाते हैं। यानी आप प्रैक्टिकल करके देखो, अपने घर में जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के सामने आप घर में गाली दो, गाली गलौज करो, तो बाहर वो ऑटोमेटिक देके आ जाएगी गाली। होता है अक्सर ऐसा, जब उनकी प्रेरणा किसने बढ़ाई? हमने सर। उसी समय आप बोल दो कि ये प्रोडक्ट महंगा कैसे, मुझे बताओ। एक प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को आप रट लो, उसका कंप्रोमाइज जो मैंने बताया इस तरीके से अगर आपने बता दिया, तो भाई साहब बताइए वो महंगा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। चाय का आप ये डेमो करके बताओ भाई कि कौन सी मार्केट है। ये देखिए सर, जैसे गर्म होगी ना ये आईएमसी वाली चाय, ये और भी बहुत ज्यादा कलर छोड़ जाएगी। इसमें देखो ये जबूर भी आने लगे छोड़ेगी तो चाय का कलर आएगा क्या? ये गर्म होने के बाद छोड़ेगी। ये इतना नहीं छोड़ती सर, ये गर्म होने के बाद छोड़ती है, बाकी का ये ज्यादा छोड़ती है। बाकी आप तो कई सारे लोगों से ये जज कर सकते हैं, ये एसिडिटी नहीं बना। कई सारे लोगों ने इस चीज का प्रमाण भी दिया है। कहा भाई प्रवीण भाई सर, ये सही है कि गलत है? इससे भूख तो क्या क्या महसूस हुआ सर? आप आप और भी कोई प्रोडक्ट है जिसका आपको लग रहा है आप पूछ सकते हैं, बाकी एक दो प्रोडक्ट का ही आप बता सकते हैं। एलोवेरा जूस है या आपका कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के ले लो, तो भाई साहब ये एलोवेरा जूस 200 कितने का है?
300 रुपए का IMC वाला, और रामदेव बाबा ये कितने का है 0.5 लीटर का, और रामदेव बाबा का कितना है 200 रुपए का 1 लीटर। स्वाभाविक के लिए तो कंपनी ने सोचा पहले कि जब 200 रुपए का मार्केट में है तो एक 0.5 लीटर 300 यानी 600 रुपए का, 1 लीटर कितना अंतर है सर 400 रुपए में। लेकिन इसमें और उसमें फर्क क्या है यही हमको समझना है। दीजिए सर, इंडिया की पहली कंपनी है IMC जिसने एलोवेरा जूस को मेडिसिन के रूप में बनाया। इसमें स्टीविया, अदरक और तुलसी मिक्स करके इसको मेडिसिन, यानी इस एलोवेरा जूस को आप लोगे तो ये साथ में मिनरल्स और विटामिन की पूर्ति करेगा। और वो एलोवेरा जूस क्या करेगा, ओनली डिटॉक्सिकेशन। उस एलोवेरा जूस की आप स्वयं भी ले लोगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि मैंने लिया कि नहीं लिया, लेकिन इसकी अगर स्वयं ले लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप झेल पाओगे, आप बॉडी आपकी बॉडी झेल पाएगी। तो ये ओरिजिनल मेडिसिन है। अगर हम बात करें महंगे और सस्ते की तो इस पर भी आप जाइए कि उसकी स्वयं आप लोगे तब वो इसके बराबर काम कर पाएगी। और हमारी कितनी लेते हैं सर, ओनली 10 ml। अब 10 ml अगर आप लेते हो तो ये कितने दिन चलेगी सर, 25 दिन। और उसकी 100 ml आप लेते हो तो वो कितने दिन चलेगा, 10 दिन। 1 महीने में कितने एलोवेरा खत्म हो गए, 3 कितने के हुआ है 600 रुपए के, और ये कितने का हुआ है 300 रुपए का। महंगा कौन सा है सर, महंगा वो है सर। तो हर व्यक्ति की क्वालिटी अगर हम पहचाने तो स्वाभाविक है कि हमारा प्रोडक्ट महंगा नहीं है। अगर महंगा है तो बहुत सारे लोगों को महंगा लगता है, उन पे हमको बात ज्यादा नहीं करना। हमें तो आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम, नहीं तो नहीं, उलझना नहीं है, क्योंकि हमें हमारे गोल के ऊपर काम करना है। किस पे काम करना है, गोल पे काम करना है। गोल क्या है, क्या हमें सर हमारे घर में जो चीजें नहीं है उनको पाना है। तो ये कैसे होगी सर, अब ये तो प्रोडक्ट लेना नहीं लेना, लोगों को मानना नहीं मानना, छोटी मोटी सी चीज। आप आपके अंदर एक चीज को महसूस करिए कि आपके घर में या मेरे घर में मेरे बच्चे की या आपके बच्चे की तबीयत खराब होगी और डॉक्टर बोलता है कि आपको आधे घंटे के अंदर में इसको ब्लड कम है और ब्लड लेके आना है, तो आप क्या करोगे सर। 1 घंटे के अंदर में आपको किसी भी कंडीशन में ब्लड लेके आना है, बताइए आप क्या करोगे, क्या ब्लड लाके नहीं दोगे। और आधे 1 घंटे के अंदर में ब्लड नहीं मिला तो आपके बच्चे की मेरे बच्चे की डेथ हो सकती है 100%। आप पूरे दिन में या 2 घंटे में वो सारा दिमाग लगा लोगे, किसी भी कंडीशन में कुछ भी करना पड़े लेकिन आप उसको ब्लड देके रहोगे। यस या नो, यस। किसके लिए सर, बच्चे को बचाने के लिए, राइट। लाओगे कि नहीं लाओगे बताइए मुझे, लाओगे। अगर आखिरी में ऑप्शन नहीं मिला तो ये कहोगे कि मेरा निकालो, मैं स्वयं निकालने के तैयार हूं लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। ये कहां से निकलती है सर, यहां से निकलती है फ्रीजी सर। ये IMC ये वो प्लेटफॉर्म है जिसको समझ गया वो व्यक्ति वास्तव में इस चीज को इसी तुलना से अगर समझ गया कि वो बच्चा आपका है और आप उसके भविष्य की चाहते हो तो इसी प्रकार उस बच्चे को देख लेना है। आप बच्चे को देख लेना, आपकी एक किसी को प्रोडक्ट देना या IMC करना उसके लिए लाइफ टाइम जिंदगी भर ब्लड डोनेशन के बराबर होगा, ब्लड देने के बराबर होगा। कैसे होगा सर कि आज मेरे पिताजी बाल बनाते थे लेकिन IMC में मैंने पैसा तो मेरे पास था नहीं, पैसा तो मैंने लगाया नहीं, लेकिन IMC में यही डेमोस्ट्रेशन कर करके लोगों को बता बता के आलस नहीं करके गर्मी सर्दी बरसात को ना देखते हुए ना देखा और तब लोगों को बता बता के आज महीने का 2 लाख रुपए आता है। मेरे पिताजी मेरे ऊपर गर्व करते होंगे कि नहीं करते होंगे। अब ये ब्लड की तरह मैंने किसके लिए किया सर, मेरे लिए, मेरे आने वाले फ्यूचर के लिए, बच्चे के लिए। आज मैं आपसे छोटी सी बात करता हूं कि मेरा बच्चा आज पढ़ा है लिखा है नहीं है महत्वपूर्ण नहीं है सर मेरे लिए कोई चीज,
लेकिन मैं एक ऐसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूँ कि मैं जब तक इस दुनिया में हूँ तब तक मैं IMC करूंगा, और जिस दिन भी मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरी ID मेरे बच्चे के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। दुनिया में ऐसी कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई सिस्टम बचा है क्या आपके बच्चे के लिए वो काम कर रही है? नहीं कर रही। लेकिन IMC आपके बच्चे के लिए काम कर रही है। आप बच्चे की महत्वपूर्ण ये है कि सर आपकी जॉब अनुकंपा भी मिलेगी, तो आपका बच्चा पढ़ा है कि लिखा है तो मिलेगी, नहीं है तो कोई चांस नहीं है। जॉब की बात करें तो पढ़ाई नहीं है तो नहीं मिलेगी, हाइट नहीं है तो नहीं मिलेगी, एजुकेशन नहीं है तो नहीं मिलेगी, ओवर एज होया तो नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीजें, कोई फिजिकली कोई कमी है तो नहीं मिलेगी। यस या नो? यस सर। लेकिन सर यहाँ IMC कोई भी कंडीशन आप पे लागू नहीं करती। अगर ऐसी कैसी ID 2 लाख रुपए महीने की भी बच्चे के नाम ट्रांसफर करती है तो इससे बेस्ट प्लेट कौन सा दुनिया में हो सकता है? लेकिन वो मेहनत आपको करना पड़ेगी, वो सिस्टम आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ सिस्टम आपका क्या कहता है सर, इस गोल पे आपको काम करना पड़ेगा, आपके बच्चों के लिए आपके भविष्य के लिए काम करना पड़ेगा। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आपसे प्रोडक्ट लेने से ना कर दे, बस आपकी कमी आपको खा जाती है, मेरी कमी मुझे खा जाती है। यस या नो? यस। अगर उसके सामने हमने बैठ के कह दिया कि हाँ सर प्रोजेक्ट तो महंगा है, उसके पिताजी मिलेंगे? कॉम्प्रोमाइज करके बताइए। एक दिन आपका, अब होता क्या है, IMC से लग्जरी कार चाहते हैं, IMC से BMW कार चाहते हैं, IMC से बड़ा बंगला चाहते हैं, और जब IMC करने के लिए किसी व्यक्ति से कहते हो तो रोड पे चलते चलते से बोलते हो, या कहीं दुकान पे खड़ा है माँ बोलते हो, या बस स्टैंड पे बोलते हो, या चलते कार में बोलते हो, या आप ट्रेन में बोलते हो, ऐसे बोलते हो ना अधिकतर। अब होता क्या है भाई साहब, तो बोल तो इतना बड़ा है, बिजनेस इतना बड़ा है, और आप चलते चलते रास्ते में उसको बता रहे हो, क्या वो IMC समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। IMC 14 साल पुरानी कंपनी, 14 साल में कितनी जो है प्रो पायलट आके बता दो तो उसकी बैक क्या हम आधे घंटे में नहीं कर पाते। IMC की प्रोडक्ट की अगर हम चर्चा करें तो 2-3 प्रोडक्ट की चर्चा करें 2 घंटे हो गए। अब उसके आप टाइम लीजिए, उसके घर पे बातचीत करिए कि आपको फ्री समय फ्री टाइम कहाँ मिल रहा है, हम आपके चाय के साथ आपके घर पे हम आपको ये IMC का पूरा प्लेटफॉर्म बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इस बिजनेस में और इस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ सफल होने के लिए कितने लोग चाहिए सर? चेयरमैन बनने के लिए कितने लोग चाहिए? 5 लोग। और इस दुनिया में लोग कितने हैं? 135 करोड़ लोगों में से क्या 5 लोग नहीं मिल सकते? यस या नो? यस। मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं। ऐसे कौन व्यक्ति है 135 करोड़ में से जो भूखा सो रहा हो, जो कपड़े नहीं पहनता हो, या वो हेयर ऑयल नहीं लगाता हो, या वो साबुन नहीं लगाता हो, या शैम्पू नहीं लगाता हो, या वो जीरा काली मिर्ची वगैरह वगैरह उपयोग नहीं करता हो? है कोई ऐसा? नहीं है। IMC में टोटल ज्वाइनिंग कितने लोग हैं पता है आपको? मात्र 1 करोड़। और इस पूरी इंडिया में लोग कितने हैं? 135 करोड़ लोगों में से मात्र 1 करोड़ लोग IMC करते हैं मात्र नाम के, जिसमें से एक्टिव की हम बात करें तो कितने लोग होंगे? हाईएस्ट 50 लाख जो IMC कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे। अगर हम IMC के आंकड़े की बात करें तो आदरणीय सत्यन भाटिया जी ने एक आंकड़ा बताया था कि IMC के रेगुलर यूजर कितने हैं पता है आपको? मात्र 3 लाख। कितने लोग हैं सर? 3 लाख जो रेगुलर यूज कर रहे हैं, बाकी के 97 लाख लोग अपन जैसे मजा देख रहे हैं, जो उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो कर रहा कि नहीं कर रहा, मतलब तर्क वितर्क ये वो में। रेगुलर यूजर कितने हैं सर?
3 लाख लोगों में से कंपनी का आईएमसी का टर्नओवर कितना जा रहा है? 25 करोड़, 30 करोड़ टर्नओवर जा रहा है, और मात्रा भी कितनी है सर? 3 करोड़। अब मुझे ये बताइए कि 1 करोड़ यूजर जिस दिन बन गए, 1 करोड़ यूजर, 3 लाख में से 1 करोड़ यूजर जिस दिन बन गए, उस दिन आईएमसी का सुपर स्टार का फंड क्या हुआ? सिल्वर स्टार का फंड क्या हुआ? गोल्ड स्टार का फंड क्या हुआ? रूबी स्टार का फंड क्या हुआ? कल्पना भी नहीं कर सकते सर। जब 3 लाख यूजर हैं, जब संतोष सेन की 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम है महीने, जब डॉक्टर साहब की सरकारी जॉब करते हुए 60-70 हजार की इनकम, तब है जब 3 लाख यूजर हैं। सर यूजर बढ़ेंगे कि घटेंगे? क्या वो 3 लाख लोग जिनको 1-1 लाख रुपए, 50-50 हजार रुपए महीने मिल रहा है, क्या वो घर बैठ के सोके निकाल देंगे क्या? वो एक महीने में जब तक 25-50 लोगों के दिल को नहीं झंझोड़ेंगे, तब तक उनका महीना नहीं निकलेगा। यस या नो? तो सर 3 लाख लोग 1 करोड़ होने में समय नहीं लगा रहे हैं। अब कुल में हम आते हैं या नहीं, ये हमको डिसाइड करना है। तो सर छोटी सी सिस्टम से मैं आपको बात बताता हूँ कि आईएमसी, इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ हमें करना क्या है कि हम कहते हैं कि हमें लोग, बिजनेस प्लान सबको पता है कि नहीं है? नए लोग हैं सर, नए लोग हैं। अच्छा, कुछ नए लोग हैं। चलिए, तो मैं बिजनेस प्लान करता हूँ। तो मैं छोटी सी बात आपसे करता हूँ कि एक परिवार में कम से कम 3,000 रुपए का सामान तो हर घर में, हर परिवार में हम किराने की दुकान से लाते हैं, राइट? लाते हैं ना? अच्छा, तुम्हें जिंदगी में कभी भी कोई लाइफ में कोई डिस्काउंट मिला क्या? नहीं मिला। पक्का? तो ये अपन 3,000 की मिला, 4,000 मान लेते हैं। कितने का मिला? 4,000 का लगता है। एक राउंड फिगर में जो जितने का आता है, 2,000 का मान लेना, 1,000 का मान लेना, 2,500 का मान लेना, 3,000 का मान लेना, मैं एक राउंड फिगर बता रहा हूँ। तो इस दुकान से लेने से, किराने की से कोई कमीशन हमें नहीं मिला। किनको मिला? प्रवीण भाई साहब को, माने जितने भी सेठ साहूकार लोग हैं उनको, राइट? अब हम बात करते हैं कि भाई साहब इसमें आप कब से सामान ले रहे हो? जब से हम और हमारी पीढ़ी आने वाली थी, वो सामान लेती लेती चली गई। अच्छा, ये सामान में कभी कोई आपको लाइफ में ऐसा दिखता है कि जिंदगी में कभी कोई कमीशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। कम में भी नहीं मिलेगा, कमीशन भी नहीं मिलेगा, राइट? अब ये सेम सामान अगर आप आईएमसी की दुकान से लेते, कौन सी दुकान से? आईएमसी की दुकान से लेते, तो यहां हम क्या कहते हैं कि जैसे ही आपकी आईडी बनी, तो आईडी कैसे बनती है? फ्री। कोई पैसा लगा किसी का? नहीं लगा। फ्री आईडी बनी, कोई पैसा नहीं लगा आपका। तो जैसे ही आईडी बनी, तो आपको आईएमसी कंपनी 20 से लेके और 40% तक डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देती। कितना? 20 से 40%। मैंने आपको एक शब्द कहा था कि जैसे ही कोई व्यक्ति महंगा करे कि भैया तुम्हारा प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, तो क्या बोलना है? भगवान के नाम की अगरबत्ती लगाना है, तो तूने बहुत अच्छी की। भैया अगर तुझे सस्ता करना है तो आपका आधार कार्ड निकालो, आईएमसी में ज्वाइनिंग करो, आईएमसी के सदस्य बनो, तो तुम्हें जो सामान एमआरपी पे मिलता था वो अब यहाँ आईएमसी में आधार कार्ड देने से आपको कम रेट पे मिल जाए। अगर साथ में आप व्यापार करते हो तो यहाँ बिजनेस का भी बड़ा रोल आपको, बीवी यानी बिजनेस करने का एक व्यापार भी आपको मिल जाएगा। तो उदाहरण में जैसे कि ये आईएमसी का एलो डेंटल क्रीम,
इसकी कीमत कितनी है सर? 115 रुपए। ये कितने रुपए का मिलेगा सर? 95, 95 रुपए का, है ना। तो सर कितने रुपए कम हुआ है आपके? 20 रुपए, 20 रुपए कम हुए। तो आपको आधार कार्ड देने से कोई मना करेगा? नहीं करेगा। अब होता क्या है, अक्सर 80% लोग कहाँ फेल होते हैं, तो सबसे पहले जाके ही 95 में आप टेस्ट बताओ। अब इससे कम तो करने कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि पहले तो तुम्हें ही महंगा लग रहा है ना, तो तुम डर के वजह से पहले 95 में पेस्ट बताते हो, यही होता है ना। तो भैया पहले जब कंपनी ने MRP बनाई है तो ये आपके लिए बनाई है। अब उसको लगता है आधार कार्ड देता है तो ID बना दो, तो उसको क्या मिलेगा? 95 रुपए में पेस्ट, यानी उसके कम हुए। अब उस व्यक्ति से क्या कहना है आपको कि अगर आपने इसी पेज पे आपको क्या मिलेगा? BV, बिजनेस करने का व्यापार। तो व्यापार में आपको 25 बिजनेस बोलियां मिल गए, राइट? कितने बोलियां मिल गए? 25। अब यहाँ आपको आगे की मैं कहानी बताता हूँ कि यहाँ भाई साहब आपको जैसे ही IMC में आपने ज्वाइनिंग की तो पहला फायदा क्या मिला आपको? 20-40% डिस्काउंट। जी यहाँ मिला क्या? नहीं मिला। पहला फायदा मिला। अगर ये हम लोगों को बताएंगे तो हमें फायदा मिलेगा सर, कितना मिलेगा? कि 4000 रुपए का सामान लोगे तो राउंड फिगर में हम 25% ही निकाल लेते हैं। कितने परसेंट? 25%। तो सीधा सीधा कितने रुपए की बचत होगी सर? 1000 रुपए। अगर 1000 रुपए की बचत होगी सर, हो सकता है कि घर में सामान तो ला रहे हैं भाई साहब, और आप बड़े भाई साहब से बात कर रहे हैं, इन्हें तो आले भरे और सूखे दुना कोई मतलब ही नहीं। सामान ला रहा है बेटा, और आप पिताजी से बात कर रहे हैं। सामान ला रही माता जी या भाभी जी, और आप बड़े भैया से बात कर रहे हैं, छोटे भैया से बात कर रहे हैं। तो आपको ये सारे सिस्टम जो मैं बता रहा हूँ वो अगर बताना है तो आपके बैग में 1000-2000 रुपए के प्रोडक्ट साथ में होंगे, साथ में IMC की कैटलॉग होगी, बिजनेस प्लान बुक होगी, और वहाँ आपने पूरे परिवार को बिठाया शाम के टाइम, सुबह के टाइम होम मीटिंग की, तो हो सकता है कि घर में जो व्यक्ति सामान ले रहा है वहाँ 4000 दे के आ रहा था, या 3000 रुपए में 4000 का सामान आ रहा है, 1000 रुपए की बचत हो रही है, क्या वो सामान लेने से ना कर सकता है? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अगर कोई एक व्यक्ति, हमने 100 प्लान ऐसे किए और 100 प्लान में से मान के चलो कितने व्यक्ति ना कर सकते हैं, हाईएस्ट कितने कर सकते हैं ना? मेरी नजर में तो एक भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम बात करें तो 100 प्लान किए और 100 में से 90 भी ना करते हैं और 10% भी यस करते हैं, तो आपको एक साल के अंदर 1,00,000 रुपए कमाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई ताकत, अगर 10 व्यक्ति भी मानते हैं। और 10 व्यक्ति अगर आपने ये प्लान बताया तो सब रुक नहीं सकते, किसी भी कंडीशन में रुक सकते हैं क्या? नहीं रुक सकते सर। पहला फायदा। दूसरा फायदा, अगर आपने बताया कि ये भाई तेरी ID बन गई, अगर यही 3000 रुपए का 4000 रुपए का सामान तुमने तुम्हारे पड़ोसी को दे दिया, किसको दे दिया? पड़ोसी को दे दिया, तो यहाँ कितने रुपए की बचत होगी तुम्हारी? 1000 रुपए की बचत। और देना किस पे है? MRP पे। किस पे देना है? MRP पे। तो 1000 की उसकी बचत, और 3 लोगों को और दे दिया, तो यहाँ सर कितने लोगों की 2 लोगों को और मान लो आप, तो है ना, कितने को? 2 को 3000 रुपए हो गए। अब सर अभी व्यक्ति बोल रहा था कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, अगर आपने 2 फैमिली को प्रोडक्ट की क्वालिटी बता के MRP पे सामान दे दिया तो यहाँ आपके जो IMC का सामान आपको महंगा लग रहा था और जो 3000 रुपए का आप लेके आ रहे थे वो आपको क्या मिल गया सर?
कैसे मिल गया? फ्री? क्या भाई साहब आपको रेट लेके फ्री मिल सकती है कभी? सर 1000 रुपये का जो डिस्काउंट हुआ है वो आपके डिस्काउंट 20-40% दिया, 25% में दिया, तभी तो हुआ है। अगर उसको अपन MRP देंगे 1000 के लिए फायदा होगा अपना। हाँ 1000 का हो तो 2 लोगों को दिया। दो लोगों में देंगे तो सामान ही पड़ी है ना। जैसे मान लो जो सामान अपन 4000 का ला रहे हैं, 3000 का ला रहे हैं, तो एक व्यक्ति को दिया कितने का? 4000। दूसरे व्यक्ति को कितने का दिया? 4000 का। और तीसरे व्यक्ति को कितना दिया? 4000 का। अब व्यक्ति कितने हुआ है? तीन। और तीन व्यक्ति में कितने रुपए हुआ है? 3000। यानी भाई साहब आप जो सामान 3-4000 रुपए का ला रहे थे वो 3000 में आपका सामान फ्री हुआ ही नहीं हुआ? अलग अलग लोगों को देंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर वही एक सामान जो अपन लेके आ रहे हैं वही अगर 3 लोगों में बांटेंगे तो नहीं, वो नहीं। मैं अलग से बता रहा हूँ, मैंने क्या कहा, ये 4000 का सामान इसको दिया और ये इसको। जैसे उदाहरण में मान लो ये है आप, और ये आपके नीचे आपने ऐसे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, पांच व्यक्ति, जितने भी चाहो उतने व्यक्ति को आप अलग अलग दे सकते हो। यहाँ आपने 4000 का सामान दिया, यहाँ दिया 4 का, यहाँ दिया, यहाँ दिया, और मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो तरीके से आपने बताया तो वो ना कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। अब मुझे ये बताओ वो चाय या सामान आप उस दुकान से लेके आ रहे थे, जिंदगी में कभी वो फ्री का सपना भी आता क्या? नहीं आता। लेकिन INC में भाई साहब आपने ये 2 लोगों को पूरे महीने में सामान दिया, एक महीना मान लेते हैं अपन, या 3 लोगों को देने में पूरा एक महीना खत्म कर दिया, क्योंकि नए लोगों को लगता है टाइम समझने में, सीखने में। तो सर पूरे महीने में भी अगर आपने दिया और 3000 का सामान आपका फ्री हो गया तो बताइए कि ये दूसरा लाभ मिला नहीं मिला? मिला ना। तो सर दो के लाभ हो गए, 2 लाभ। अब जो व्यक्ति प्रोडक्ट महंगा कह रहा था उसको आप दूसरे महीने में क्या बता रहे हो कि आपको IMC फ्री प्रोडक्ट देगी ना सर? क्या उस व्यक्ति के दिमाग में समाज समझ में आएगी कि नहीं आएगी? क्या वो 1-2 महीने के बाद आपसे प्रोडक्ट महंगा कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। अब सर सिस्टम की हम बात करें तो इस दुकान से आप सामान खरीदोगे तो जिंदगी में कभी आपको ये दुकानदार विदेश घुमा सकता है क्या? नहीं। मध्य प्रदेश घुमा सकता है क्या? नहीं। गुना जिला घुमा सकता है क्या? नहीं। लेकिन IMC की इस दुकान से खरीदने की बदौलत ये संतोष सैमसन 4 विदेश यात्रा करके आया। कितनी? 4 विदेश करके आया। तो सर ये भी एक फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो यार कितने फायदे हुए सर? 3। सर चौथा फायदा मैं आपको बताऊं तो ये चौथा फायदा, इस दुकान से सामान खरीदता तो क्या मैं कार से घूमता? नहीं। हिम्मत थी क्या मेरी? नहीं थी। अगर है किसी की तो वो सामने या वो ब्लैक बोर्ड पे बात करे, आपके रजिस्टर पे बात करे कि आप कब से सामान ले रहे हो, कोई घुमा क्या? नहीं घुमा। तो सर वो व्यक्ति कभी साइकिल भी नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ IMC क्या दे सकती है? कार। सही बात है। तो यहाँ कार से चौथा फायदा। सर पांचवा फायदा क्या हो सकता है कि आज तक उस दुकान से सामान खरीदने में आपके अकाउंट में कोई पैसा आया? नहीं आया। आया क्या? लेकिन सर आप प्रैक्टिकल देखो, इनके अकाउंट में, प्रवीण जी के में, सर के में पेमेंट आता है सर? आता है। जब जब हम IMC करते हैं, जब जब IMC के बिजनेस वॉल्यूम हमारे ID पे गिरते हैं तो हमारे अकाउंट में पैसा आता है, राइट? सर इस दुकान से लेने में क्या 5 फायदे कम है? और फायदे कितने हैं बता दूं सर? 18 तरह के फायदे। अगर मैं आपको पूरे बता दूंगा तो ये समझ में, पूरा गेम समझ में नहीं आया, पूरा गेम समझ में नहीं आया, सही है? तो मैं सिर्फ आपको 5 फायदे बता रहा हूँ। क्या ये इस दुकान से मिल सकता है? नहीं, नहीं मिल सकता। लेकिन IMC की दुकान से ये सारा सिस्टम आपको मिल सकता है, राइट? तो सर यहाँ बात करते हैं कि इस तरीके से हमको प्रोडक्ट
वह डिस्काउंट वगैरह हर प्रोडक्ट पे मिलता है। क्लियर समझ में आ गया? तो ये हमारे बिजनेस पॉइंट, जब भी हम प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमारे जुड़ते जुड़ते चले जाते हैं। जैसे तुलसी, इसकी कीमत है सर 195 रुपये MRP, ये कितने रुपए में मिलेगी? 150 रुपये। कितने रुपए की बचत हो गई सर? 45 रुपये की। इस पर बिजनेस वॉल्यूम कितने हैं? 55, है ना। तीसरा प्रोडक्ट है एग्रो ग्रोथ बूस्टर, तो ग्रोथ बूस्टर की कीमत कितनी है? 725, है ना। ये कितने रुपए का है सर? 595। कितने रुपए की बचत हो गई सर? 130। बिजनेस वॉल्यूम कितने हैं सर? 250। अब यहाँ आपको IMC कैसे करना है ये समझना है, और समझ में उम्मीद है कि आ जाएगा, है ना। तो यहाँ हमको जो बचत हमने बात की है वो तो हमने 20-40% सर ये निकल गया है, राइट। हर प्रोडक्ट पे अलग अलग। अब आपको बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा व्यापार करना है, तो ये बिजनेस वॉल्यूम से होगा। किससे होगा? बिजनेस वॉल्यूम से होगा। बिजनेस वॉल्यूम हमारे जैसे ही ये है सब जुड़ते जुड़ते, तो जैसे ही 1001 बिजनेस वॉल्यूम होता है तो हमारी IMC में 10% लेवल पे पहुंचा। कितने परसेंट पे? 10% पे। ये हमारा लगभग रुपए की बात करें तो 2500 रुपए से लेके 2500 रुपए से लेके और 3000 रुपए की खरीदारी करने पे ही हो जाता है। क्लियर? yes, है ना। अब ये हमारे जैसे ही हमारा ये लेवल होगा, तो जो बिजनेस वॉल्यूम का 10% जो हमारा लेवल है, उस लेवल का 100 रुपए हमारे अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर? जैसे ही हमारे 7501 बिजनेस वॉल्यूम होते हैं तो कौन सा लेवल हो जाएगा सर? 15%। जैसे ही यहाँ रुपये में बात करें तो लगभग 18-20 हजार रुपये की खरीदारी करने पे हो जाता है। जहाँ हम बात करें तो ये सामान खरीदने पे MRPDP का 1000 हो जाता है, टोटल मिलाओ तो 1100 रुपये हो जाते हैं। यहाँ पर हम MRPDP की बात करें तो 8000 रुपये के समथिंग MRPDP की हो जाती है, और लगभग 15% का कितना निकलेगा सर? 7500 BP का 1500 रुपये लगभग मान लो, तो 8-9 हजार रुपये की बचत हो जाती है। समझ में आ रहा है? 18-20 हजार की खरीदारी करने पे लगभग 9 हजार रुपये की बचत हमको हो जाती है। तो कितने परसेंट बचत हो गई सर? 50%। कितनी हो गई सर? 50%। अगर हम बिजनेस के तरीके से करते हैं तो 50% बचत बहुत होती है सर। किसी व्यापार में अगर हम देखें तो 10-20% पे लोग काम करते हैं पूंजी लगा के, राइट, है ना। तो यहाँ आगे की हम बात करें तो सर जैसे ही हमारे 25001 बिजनेस वॉल्यूम होते हैं तो हमारा लेवल पहुंच जाता है 20%। समझ में आ रहा है? रुपए की हम बात करें तो लगभग 60 हजार रुपये से लेके और 70 हजार रुपये की खरीदारी को जाता है। अगला लेवल जैसे ही हमारे 60,001 बिजनेस वॉल्यूम होते हैं तो हमारा लेवल पहुंच जाता है 60,001 वॉल्यूम पे 25% ले। रुपए में बात करें तो लगभग 1.5 लाख रुपए की खरीदारी करने पे ये लेवल हो जाता है। 10-15 मिनट में ये मैं प्लान को पूरा कर दूंगा, क्योंकि आप सब लोगों को भी गर्मी महसूस हो रही है ना। तो
यहाँ कितने परसेंट पे पहुंच गया सर? 25% पे। रुपए में 1.5 लाख रुपए की खरीददारी। यहाँ जैसे ही हमारे 1 लाख 1 मिलियन होते हैं तो हमारा लेवल पहुंच जाता है 30%। यानी हम बन जाते हैं सुपरस्टार। क्या बन जाते हैं? सुपरस्टार। और सुपरस्टार क्या होता है सर? अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, कौन है ये अपने आप में सुपरस्टार। तो उनकी कैटेगरी में हमारा रोल आ जाता है। जो करने वाले होते हैं वो सुपरस्टार लेवल पर पहुंचने के बाद बहुत कुछ कर जाते हैं, और जो लोग इस लेवल की गरिमा को नहीं समझ पाते, वो तो चाहे MBBS डॉक्टर भी है या गवर्नमेंट का टीचर भी है, क्या आप कोई भी बड़े से बड़े अधिकारी हो और सब कुछ होने के बाद एक डॉक्टर अगर किसी का इलाज नहीं करेगा तो सर क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। अगर कोई टीचर है और वो ड्यूटी नहीं जाएगा क्या उसके पास पैसा आएगा? नहीं आएगा। सेम इसी प्रकार दुनिया की कोई इंडस्ट्री को ले लो, वो किराने की दुकान की शटर नहीं खोलेगा, क्या उसको पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो स्वाभाविक है सर यहाँ भी काम करना पड़ेगा। खैरात में यहाँ भी कोई चीज मिलने वाली नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। गोल और लक्ष्य और सपने आपके सामने, ये मैंने पूरे किए। ना तो एजुकेशन था, ना कोई पैसा था, ना कुछ था, सिर्फ अपनी मेहनत पे, अपनी दम पे लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया और ये आपके सामने पेश है। आज 8 लाख रुपए की कार आपके सामने, उससे मैं रेगुलर घूमता हूँ, महीने की 2-2.5 लाख रुपए की, 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम हर महीने की जो है आती है ना। विदेश यात्रा 4-4 कर चुका हूँ। अब बाकी की जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, आपने कीमती लोगों को अगर जोड़ना है और लोग नहीं जुड़ते हैं, 5 मिनट का समय और दूंगा सर। 5 मिनट में आपको वो चीज बताने की कोशिश करूंगा जो आप शायद, जिस चीज से आप कमजोर, सर अगर सपने हैं, गोल है, कितने लोगों के गोल है? सपने हैं, लक्ष्य है, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या एक दिन में पांच प्लान कर सकते हैं? जो मैंने बताया वो 5 लोगों को बता सकते हैं? बता सकते हैं? कितने लोग तैयार हैं? अगर हम 5 लोगों को एक दिन में बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट के विषय में बताते हैं तो महत्वपूर्ण ये नहीं है सर कि वो हमारे साथ आए या नहीं आए, वो IMC करें या ना करें ये महत्वपूर्ण नहीं है, राइट? अच्छा, मैंने जिस तरीके से बताया, इस तरीके से अगर आपने बताया तो ये 5 में से कितने लोग आपके साथ आ जाएंगे? एक व्यक्ति तो हो जाए। 3। क्या यार सर, मैंने पूरा पसीना निकाल दिया, मुझे नहीं लगता कि 5 के 5 लोग मना कर दें। ईमानदारी से फिर भी बताओ, अपने विवेक से बताओ कि 5 लोगों को अगर हमने प्लान बताया तो कितने लोग यस कर सकते हैं हमारे साथ काम करने का? कितने? चार। मूली तरफ आपने देख रहा है आप, कम से कम 4, राइट? अब हम बात करते हैं कि अपने सिस्टम में क्लोजिंग होती है सर 30 दिन की। कितने दिन की? 30 दिन की, राइट? और 30 दिन की क्लोजिंग, अगर एक दिन में हम 5 व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं तो 1 महीने में कितने लोगों को प्लान दिखा चुके सर? 150 लोगों। कितने लोगों को सर? 150 लोगों। अगर हम 150 लोगों की बात करें तो अभी हमको अनूप सिग्नल जी ने जूम मीटिंग पे इसका आंकड़ा बताया है
इस आंकड़े को अगर आपने 1% छोड़ो, दशमलव के बाद में 1% भी आपने ध्यान दे लिया, तो तुम्हारी इनकम कहाँ होगी? जी मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। ऐसा तो नहीं है समय ज्यादा हो रहा हो, नहीं नहीं, नहीं। पैसे मतलब ऐसा तो नहीं कोई जल्दी वाला हो, नहीं है, नहीं है, कोई है। अच्छा सही है। तो मैं सर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन में 5 प्लान 30 दिन का अपना क्लोजिंग होता है, और एक महीने में 150 व्यक्ति से हम IMC की चर्चा कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि हमारा बिजनेस है या नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना लोगों को, जो हम करते हैं वो लोगों से करवाना है, क्या करवाना है, जो हम करते हैं वो लोगों से करवाना है। तो सर पहले महीने में आपने 5 लोगों को प्लान बताया, महीने में कितने लोगों को? 5 लोगों को, जिसमें से आपकी बात कितने लोगों ने मानी? एक मान लो, कितने? एक, राइट सर। इससे कम तो नहीं हो सकता ना, इससे कम तो नहीं हो सकता ना। अब हम बात करते हैं सर दूसरे दिन की, कितने दिन की? अब आपको करना क्या है सर कि जो आपने किया है भाई इस बंदे को भी करवाना है, क्या करवाना है? जो आपने किया है वही इस बंदे को करवाना है, करवा सकते हैं, राइट। तो सर दूसरे महीने में आपने कितने लोगों से चर्चा करी? 10 लोगों से, 5 से उसने और 5 से आपने। तो सर दोनों ने बात की तो कितने लोग आ गए आपके साथ? 2 लोग। 10 में से कितने आ गए सर? 2। इतने तो आ सकते हैं ना सर, कोई बड़ा काम है क्या? नहीं है सर, पानी दो। नींद आ रही सर, थोड़ा सा मेरे कहने से सर ये अगर हमने कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत हमको करोड़पति होने से नहीं रोक सकती। इसको समझना बहुत डिफिकल्टी, बहुत मतलब मैं अंदर गहराई की बात कर रहा हूं मैं। दूसरे महीने में 10 लोगों से चर्चा हुई, हमारे पास लोग कितने आ गए? 2। हम बात करते हैं सर तीसरे दिन की, है ना, तीसरे दिन की बात करते हैं। तो तीसरे दिन में हमारे पास कितने व्यक्ति हुआ सर? व्यक्ति को हमने प्लान कितने को बताया? 2 तो ये हुआ है ना, और यहाँ हम बात करें तो 20 लोगों से चर्चा हुई सर, कितने लोगों से? 20 लोगों 20, और 20 में से लोग कितने आ गए सर? 4। क्लियर सर, 4 आ गए ना। अब यह तीसरे दिन की बात हो गई सर, अब यहाँ हम बात करें चौथे दिन की, तो कितने लोगों से चर्चा हो गई सर? 40 लोगों से। लोग कितने आ गए सर? 8। 5 में से कितने? 1। 1 का आंकड़ा चल रहा है सर जी। बात करते हैं सर 5वें दिन की, कितने लोगों से चर्चा हुई सर? 80। लोग कितने आ गए? 16। दिल कितने हुए और व्यक्ति कितने हुए हमारे साथ? 16। क्रीम आ रही है ना, ऐसे तो नहीं कि कचरा बेला दिया हो हमने, क्रीम आ रही ना निकल के। 6वें दिन क्या किया सर हमने? कितने लोगों से चर्चा की? 160। कितने लोग आ गए? 32। 7वें दिन क्या हुआ सर? 160 के दोगुने कर दो, क्या बोले? 20। कितने? 320। कितने लोग आ गए हमारे साथ? 64। सर 8वें दिन 640।
व्यक्ति कितने हो गए 128। 90 दिन क्या हुआ सर 1280। 256। और 10 दिन में क्या हुआ सर 2560। और ये कितने हो गए 512। सर कितने दिन का आंकड़ा है 10 दिन का। अब आप मल्टीप्लाई चलते जाओ तो सर 11वें दिन में क्या होगा, 11वें दिन में कितने लोगों से चर्चा हो गई सर 5120। लोग कितने आ गए साथ में 1024। कितने दिन में 11 दिन में। हम सालों से लगे हैं, 12वें दिन की क्या स्कीम है सर, कितने लोगों से चर्चा हो गई 10240। 10,240 लोगों से चर्चा हुई हमारी। हमारे साथ में कितने लोग आए हैं 2048। सर मल्टीप्लाई का पावर देखा आपने, अभी दिन कितने हुए 12। बात करते हैं सर 13वें दिन की, कितने लोगों से चर्चा हुई सर 480। लोग कितने हो गए सर 4096। दिन कितने हुए 13। सर 14 दिन की बात करें तो कितने हो गए लोग सर 520। मेरा अपने ओरिजिनल व्यक्ति कितने आ गए 8,100। अब 30 दिन में पहुंच गए तो कैलकुलेटर काम नहीं कर पा रहा। अरबों में लोग आएंगे सर, अरबों में, करोड़ मरोड़ में नहीं है। और मैंने अभी क्या चर्चा की थी, कुल IMC में 1 करोड़ लोग हैं जो अभी IMC कर रहे हैं। तो सर मैं आपके ज्यादा दिन का आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, कम ही दिन का बताऊंगा। कितने हो गए सर 40,000 में से, ये हो गए 8,182। देखो सर यहाँ पैसे की बात चल रही है और यहाँ हम अभी सिर्फ तो कैलकुलेटर पे नहीं जोड़ पा रहे, और IMC में लोग प्रेम कुमार जी 3 करोड़ महीने का साल का कमाते हैं, 1 साल में 3 करोड़ रुपए कमाते हैं। और अभी तो हम लाखों में हजारों में चल रहे हैं। अब बात आती है सर 15 दिन की, तो कितने लोग हो गए सर 81,040। और लोग कितने हो गए सर यहाँ 8 के 16 मान लो 16,000 लोग। कितने हो गए सर 16,000 लोग। 16वें दिन की बात करें सर, या कितने लोग हो गए सर 81,000। है ना। और यहाँ व्यक्ति कितने हो गए सर 16 के 32,000। 17वें दिन की बात करें तो इसमें ही तुम मल्टीप्लाई करते चल जाओ 30 दिन का, तो सर यहाँ हमारा इतना बड़ा बैकग्राउंड बन जाएगा। अपन कहते हैं ना लोग नहीं मिलते, क्या लोग नहीं मिलेंगे, क्या हो सकता है ऐसा। सर ये ओरिजिनल में हम कह रहे हैं वो कर नहीं सकते, ये संभव नहीं है, सिर्फ मुंह से बात कर सकते हैं, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। ये
असंभव भी नहीं है। अगर मैं आपको लास्ट बात करूं तो 30 दिन के आंकड़े की,